एहसास कैसे हो जाए कि अब मैं ठीक हूँ, ये कैसे ये एहसास कैसे होता है कि ठीक नहीं हूँ? कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्हें सोते समय ये एहसास रहता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है? गहरी नींद में कितने लोगों को लग रहा होता है कि कोई इमारत उनके ऊपर गिर रही है, या शेयर डूब रहे हैं, या दुकान लूट रही है, या बीवी भाग रही है, कुछ भी? कितने लोगों को गहरी नींद में भी ये एहसास रहता है? गहरी नींद का मतलब समझते हो? मैं ऊंघने की बात नहीं कर रहा। गहरी नींद आती हो नहीं सकता। गहरी नींद ना आती होती बिल्कुल तो यहां बैठ नहीं पाते। गहरी नींद ना आती बिल्कुल तो विक्षिप्त हो जाते। कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बिना गहरी नींद के जी ले। तुम पानी के बिना जी सकते हो, रोटी के बिना भी, गहरी नींद के बिना कुछ दिनों के भीतर ही पागल हो जाओगे। तुम्हें जिंदा अन्न भोजन नहीं रखता, तुम्हें जिंदा रखती है गहरी नींद की तुम्हारी समाधि जैसी स्थिति। वही है जो तुम्हें जीवित रख लेती है। वो न मिले तो मर जाओगे बहुत जल्दी। प्यासे रह के शायद 4-5 दिन जी जाओ, गहरी नींद न मिले तो 3-4 दिन में ही साफ हो जाओगे। और गहरी नींद में बताओ कि कितने लोगों को लगता है कि उनके साथ अभी कुछ गड़बड़ चल रही है। इस कुछ पता नहीं होने को ही स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य यही है। स्वास्थ्य को लेकर के रंगीन कल्पनाएं मत बनाना, समाधि को लेकर के मनोरंजक कहानियां मत गढ़ना। स्वास्थ्य यही है, ऐसा विश्राम जिस पर किसी चीज का कोई असर न होता हो, कुछ पता ही न चलता हो। कुछ पता ही नहीं चलता, एक अनछुआपन, कुछ पता ही नहीं चलता, होता रहता है पता ही नहीं चलता। और तुम वहीं बैठे हो जहां कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए मौज में हो। जब तुम मौज में हो तो तुम्हारी सारी व्यवस्था, जिसको तुम मन और शरीर कहते हो, वो तुमसे मुक्त हो जाती है। अब वो अपने हिसाब से चल सकती है। ऐसा समझ लो कि जैसे किसी घर का मालिक हो, मालिक स्वस्थ है, जबरदस्ती छेड़खानी नहीं कर रहा, पागल ही नहीं हो गया है कि यहां जाए वहां राजनीति करे, इसको उससे भिड़ाए, इस पर दबाव बनाए, वहां पक्षपात करे, ऐसा नहीं कर रहा। तब उस घर की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। और एक दूसरा मालिक हो जो अपने में ही मस्त मगन ना हो, सेल्फ कंटेन्ड ना हो, जिसको जरूरत पड़ती हो अपने आपको दूसरों के साथ परिभाषित करने की, कभी इस दल का सदस्य बनता हो, कभी वहां पक्षपात करता हो, कभी उससे लड़ लेता हो, कभी उसे लगता हो कि बाहर से आक्रमण हो रहा है कुछ कर लेता हो, वो अपने घर के सारे सदस्यों के, सारे कर्मचारियों के काम में खलल डालेगा, उन्हें परेशान करेगा, बाधा बनेगा। जब मालिक मौज में होता है तब बाकी सबको अनुमति मिल जाती है कि वो भी मौज में रहें। यही स्वास्थ्य है। तुम मौज में हो और तुम्हारा पूरा तंत्र तुम्हारे बिना सुचारू सुव्यवस्थित रूप से काम कर रहा है, इतना कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, ठीक वैसे जैसे दिल के धड़कने का तुम्हें पता नहीं चलता। इतना तुमसे जुदा हो गया है कि तुम्हारी दखलंदाजी की कोई जरूरत ही नहीं है।
ठीक वैसे जैसे सांसों को तुम्हारी दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं होती। तुम हो नहीं, काम हो रहा है। तुम कहां पे हो? तुम गहरी नींद में हो। तुम गहरी नींद में हो, यही स्वास्थ्य है, यही समाधि है, और कुछ नहीं है। तुम्हारा गहरी नींद में होना, जिन्हें जगना है वो जगते रहे। किन्हें जगना है? मन को जगना है, आंखों को जगना है, कान को जगना है, पूरी व्यवस्था को जगना है, जगी रहे। हम गहरी नींद में हैं, आंखें देखती रहे, बुद्धि अपना काम करती रहे, हम गहरी नींद में हैं। हम डरे हुए नहीं है, हमें आके निरीक्षण नहीं करना। परमात्मा के लिए बड़ा सुंदर शब्द है अनिरीक्ष। परमात्मा की सृष्टि भी ऐसी ही है जिसको निरीक्षण की, सुपरविजन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए बड़ा हौसला चाहिए और बड़ी श्रद्धा चाहिए कि मैं इतना भरोसा करता हूं कि बिना निरीक्षण के छोड़ दूं। बड़ा प्यार चाहिए, अपनापन। मुझे यकीन है इतना कि मैं छोड़ दूंगा तो भी ठीक चलेगा। क्यों है वो यकीन? वो हमें पता नहीं, पर हमें सोने दो। हमें अपने सोने पर यकीन है। हमें यह पता है हम जिसकी गोद में जाके सो जाते हैं वही बाकी पूरी व्यवस्था संभाल लेगा, हमसे बेहतर संभाल लेगा। तो ये बात सिर्फ प्रेम की भी नहीं हुई, ये बोध की भी हुई। प्रेम कहता है प्यार है इसलिए उसके पास जा रहे हैं, बोध कहता है उसके पास जा रहे हैं वो हमसे बेहतर जानता है। वो संभाल लेगा। बुद्धि कहती है नहीं भाई, अपने मामले खुद सुलझाने हैं, अपने मामले खुद सुलझाने हैं, मैं ना करूंगी तो होगा कैसे। अब भले उसके लिए सत्य छोड़ देना पड़े पर मुझे तो अपने रोजमर्रा के मामले खुद ही सुलझाने हैं। कुछ बातें इनमें से जरा सी विचित्र लग रही होंगी, मैं बहुत जोर नहीं दे रहा हूं, कि प्यार को लाओ ही, श्रद्धा को लाओ ही, मैं बहुत जोर नहीं दे रहा हूं कि विचार को हटाओ ही, या क्रोध को हटाओ ही, या मन को अनुशासित करो ही। ये तो पूरी एक सुंदर व्यवस्था है जिसे चलना है। दिक्कत तब हो जाती है जब आप उस पर सवार हो जाते हैं। इंद्रधनुष है संसार और हर रंग की अपनी जगह और अपनी अहमियत है। किसी रंग को उभारने और किसी दूसरे रंग को दबाने का नाम नहीं आध्यात्मिकता। हर रंग अपनी सही जगह पर रहे, यह है आध्यात्मिकता। और हर रंग अपनी सही जगह पर है ही जब तक आपने छेड़खानी नहीं करी है। आध्यात्मिकता का यह मतलब नहीं है कि तुम इतने प्रेमपूर्ण हो जाओ कि तुमसे कभी कोई कटु वचन निकले ही नहीं, व्यर्थ की बात है। संतों ने क्या कम कटु वचन बोले हैं? और न ही बात इसमें है कि तुम इतने मीठे हो जाओ कि प्रेम ही प्रेम तुमसे चू रहा है। प्रेम सदैव एक से आचरण का नाम तो नहीं हो सकता ना, और न ही प्रेम कोई इतनी सस्ती चीज है कि जिसको तुम्हारे चेहरे मोहरे को और बोलचाल को देख करके ही पहचान लिया जाए। देखिए सारी बातें एक तरफ, और ठीक इस वक्त भी आपका मन और आपकी मौजूदगी एक तरफ, इन सारी बातों से कहीं ज्यादा असली है वो हकीकत जो इस वक्त आपकी है। बातें तो बातें ही होती हैं,
आप अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबके बैठने बैठने में फर्क है और आप इस बात को जानते हैं। आप जो हैं वो ठीक इस वक्त भी छलक छलक के जाहिर हो रहा है और वही असली बात है, बाकी तो सिर्फ बात है। आध्यात्म प्रवचन नहीं होता, ग्रंथ नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होता, कोई विधि नहीं होता। आप जो हैं वो होता है, और आप जो हैं वो आत्मा परमात्मा की बात बाद में है। ये जो कुर्सी पर शरीर बैठा है उसकी बात पहले है। कैसे बैठे हो? बैठे भी हो? जानते हो ना, मन जैसा होता है, शरीर उसी का अनुकरण कर लेता है। देखो अपने बैठने को, विचारों को देखो अपने, पिछले 2 ही घंटे में क्या क्या नहीं सोच गए। वो बातें तुम्हारे लिए ज्यादा सच्ची और ज्यादा प्रासंगिक हैं। तुम ये जान लो कि तुम्हारे साथ हर समय चल क्या रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। मैंने नाम आज लिया राम का, कृष्ण का, अष्टावक्र का, तमाम सवाल आए जिनमें से आध्यात्मिकता की गंध है, उन सारे सवालों से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी तुम्हारे मन की दुनिया है। क्या चलता रहता है मन की दुनिया में, वो ज्यादा जरूरी है। और क्या चलता रहता है से मैं किसी इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं। जो चलता रहता है वो अभी भी चल ही रहा होगा, इसीलिए तो बहुत सरल भी हुआ ना काम। निरीक्षण के लिए मन सदैव उपस्थित है, उपलब्ध है, जैसे तुम हमेशा होते हो वैसे अभी भी हो। जैसे तुम हमेशा होते हो वैसे अभी भी हो। हां, अभी अगर उसको जान सकते हो, उसका अवलोकन कर सकते हो तो फिर ठीक है। अभी अचानक कोई जादू थोड़े ही हो गया है। मन अपनी जगह, आत्मा अपनी जगह है तो दोनों अपने अपनी जगह ही ना। कोई एक आध आखिरी बात, पर्पस का हर सवाल इसलिए होता है ताकि उसको कोई जवाब मिल जाए और वो शांत हो जाए। कुछ भी है जिसका उद्देश्य है तो एक ही उद्देश्य है, शांति, और कोई उद्देश्य नहीं होता। तुम शांत हो जाओ, यही परम उद्देश्य है। कहिए, इसमें से नहीं अभी पढ़ रहा हूं मैं। जिन्होंने नहीं कुछ कहा है जो मन में लिए बैठे हैं वो बोले। समझ को कैसे विकसित करें सर? आपने यूट्यूब में बोला है कि अब आपका शरीर बाहर से आया, मन भी बाहर से आया, एक समझ है जो आपके अपने, उसको कैसे पहचाने, कैसे विकसित करें? उसे विकसित वगैरह नहीं करना होता, वो ठीक अभी ही है। आप
उसको लेकर के कल्पना करते रहते हो, उन कल्पनाओं से उसका मेल नहीं बैठता, तो आपको ये लग जाता है कि वो नहीं है। ये बात अभी मैंने कही, इस बात को लेकर के कोई हिचक तो नहीं हुई ना? बैठे हो सामने, कितनी ही बातें आप तक पहुंची होंगी जो सीधे हृदय में प्रवेश कर गई होंगी। इसी को समझ कहते हैं। पर वो चीज़ इतनी सीधी और सरल है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती। तो आपको लगता है नहीं, ये तो हो नहीं सकती, ग्रंथों में बात हुई है, बड़े बड़े लोगों ने बात करी है, बोध समझ इंटेलिजेंस, ये तो कुछ अलंकृत चीज़ें होनी चाहिए, ये तो कुछ बहुत बड़ी प्रकाशमान चीजें होनी चाहिए। वो एक छोटी सी चीज है, वो आप तक पहुंच रही है, मन ही उससे नहीं भरता। कुछ नहीं है समझ, कुछ बड़ा नहीं है, यही है छोटा छोटा, इसी को समझ कहते हैं। अगर एक वाक्य तुम तक पहुंच गया तो जान लो यही समझ है, पर जानने के बाद जरा निराश से हो जाते हो, कहते हो यही है, वो वाली नहीं है जो बड़ी बड़ी सोची थी। दिक्कत जानते हो क्या है? यहां बहुत लोग ऐसे हैं जिन तक शायद एक वाक्य भी ना पहुंचा हो। एक वाक्य भी पहुंच जाए तो हो जाता है क्या, कोई घटना नहीं घटती, बस तुम्हारे मन को प्रमाणित हो जाता है, कुछ हो नहीं जाता, बस भरोसा हो जाता है। पर उस एक वाक्य का भी पूरे एक जीवन में भी तुम तक पहुंच पाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आश्वासन देके कह रहा हूं, यहां कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे, हर बार होते हैं, जो यहाँ पूरे 3 घंटे बैठ करके जाएंगे बिना एक भी वाक्य सुने। ऐसा नहीं कि उन्होंने कानों में रुई डाल ली है, वो सुन भी रहे थे, बस अपने आप को सुन रहे थे। हम अपनी ही दुनिया में कैद रहते हैं, हम लगातार अपने को ही सुनते रहते हैं। एक वाक्य भी तुम्हारे पास अगर तुमसे बाहर का पहुंच जाए तो इसी को तो भक्ति कहते हैं ना, मुझसे बाहर भी कोई है। संसार बस उतना ही नहीं जिसकी मैंने कल्पना करी है, बियॉन्डनेस भी कुछ है। वो साबित करने के लिए एक वाक्य काफी होता है, एक एक, हम एक को भी नहीं पहुंचने देते। Mm-hmm.